लिए एक बार जोरदार ताली बजा दे। सर के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि पटेल सर ही है जो हम सभी इस स्टेशन में जितने सारे लोग हैं ना सबको ना एनर्जी ला देते हैं पहले ही। तो सर मैं भी मोटिवेट हो चुका हूँ आज के सेशन को रखने के लिए। तो दोस्तों वक्त कम है हमारे पास में, तो मैं जल्दी से मैं अपने आप बीती बताना चाहूंगा। दोस्तों नाम चंद्रहास गजपल्ला है, और इस व्यवसाय में आने से पहले, जैसे कि पटेल साहब बता रहे थे कि मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों मेरा गरीब घर का घर होता कैसा है मैं ये बताना चाहता हूँ। दोस्तों एक ईटा नहीं मिट्टी का घर, और छत पे ना घास डाला होता है, जिल पन्नी डालने के बाद में उस पर घास डाला जाता है। तो उस घर से मैं बिलोंग करता हूँ, और मम्मी पापा छत्तीसगढ़ से हैं, और पेट की कमी की वजह से कमाने के लिए महाराष्ट्र आए हुए थे, छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र आए हुए थे। और यहाँ आने के बाद उन्होंने हमें जन्म दिया, और फिर पढ़ाई लिखाई की बात आई तो पैसों की कमी की वजह से मैं बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं कर पाया। और एजुकेशन ना होने के कारण आप लोग को तो पता है कि मार्केट में कौन पूछता कौन है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लड़का तो उसे पूछता कौन है मार्केट में। तो बस इसी के चलते ट्रकों में ट्रैक्टरों में मिट्टी ईटा रेती बस इस काम को करते हुए चला जा रहा था। मैं अभी भी कई बार, मेरे टीम है नागपुर से, तो मैं इंदौरा में बैठा रहता हूँ, तो कई बार मैंने मनीषा मैडम हो गया और ऐसे बहुत सारे मैम है मेरे साथ में, तो उनको बताते रहता हूँ देखो देखो वो ट्रक जा रही है, इस ट्रक पे मैंने 1.5 साल काम किया है। तो ट्रकों में काम करना स्टार्ट किया, करते करते अचानक से तबीयत खराब हो जाया करता था, तो पप्पा देखते थे कि लड़का हफ्ता भर काम करता है और काम करता है और उसके बाद में तबीयत खराब कर लेता है, तो फिर इसका काम करने का मेहनत का मतलब ही क्या है कि पैसा कमाता है और पूरा डॉक्टर को देता है। एनर्जी तो एक दिन पापा जी थे, वो बोलते हैं बंसर बाजार गए, और वहां पे एक टेलर है ऑनेस्ट बॉय टेलर करके, तो उनके पास में जाके मेरी बातचीत करके आ गए कि मेरा लड़का यहाँ पे आराम से काम करेगा सीखेगा। और हम तो आज्ञाकारी थे, जैसे पापा ने कहा तो बस जाके, शुक्रवार के दिन था, गुरुवार का बाजार हुआ, शुक्रवार के दिन से काम पे लग गए। तो दोस्तों काम करते 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 मैं 3 साल तक ऐसा काम करने की, रोज सुबह मॉर्निंग उठ के जाना और शाम को रात को 8 बजे घर आना, ऐसा करते करते मैं 3 साल में सिर्फ मात्र काज और बटन करना सीखा। यहाँ अदोसा वेलनेस में आने के बाद डिवाइन अकेडमी की एक ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए इंसान को हफ्ते में फुर्सत नहीं मिलती। मैं रोज पर डे जाया करता था और रात को 8 बजे वापस आया करता था। सर 3 साल के अंदर में सिर्फ मुझे काज और बटन करना सिखाया दोस्तों, और उसके दौरान मुझे धीरे से फिर एक शर्ट बनाना सिखाया, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। लेकिन मेरे अंदर की जो टैलेंट थी, मैं देखता रहता था कि ये करते हैं वो करते हैं, सर मेरे जो गुरु थे टेलर थे वो ऐसे कटिंग करते हैं, ऐसे यहाँ पे इतना मेजरमेंट करते हैं, वो ध्यान में रखा करता था। और उसके चलते मैंने पैंट बनाना सीखा, उन्होंने नहीं बताया लेकिन मैंने पैंट बनाना सीखा। और सीखने के बाद अगर मेरे अंदर आग थी, जिद थी कि कुछ करना है, आगे बढ़ना है जिंदगी में, बचपन से ड्रीमर रहा कि करना है करना है करना है, तो फिर उस दौरान में मुझे मेरे जो गुरु थे टेलर थे वो बोलते हैं कि चल तुझे आज से मैं कारागिरी का रेट देना स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों मुझे एक शर्ट का 20 रुपए दिया करता था, और अगर मैं पैंट बनाऊँ तो 25 रुपए दिया करता था। शर्ट बनाना रहता तो अगर 100 रुपये कमान 20 रुपए, तो अगर जब तक मैं 5 शर्ट ना बनाऊ तो मैं 100 रुपए कैसे कमाऊंगा। तो मैं सुबह से शाम तक, चाहे रात के 8 बजे 10 बजे, मुझे उससे मतलब नहीं था, टाइम से कोई मतलब नहीं था, मेरा 100 रुपए रोज का बनना चाहिए ये उद्देश्य से मैं पर डे 5 शर्ट बनाता था। और जिस दिन पैंट बनाना होता था उस दिन मैं 4 पैंट बनाता था, तब जाके मैं घर वापस रिटर्न आया करता था, और ऐसा करके 100 रुपए रोज का कमाया करता था। और ऐसे ही मेरी जिंदगी गुजर रही थी। तो अचानक एक दिन, जैसे दिवाली के समय आया, दीपावली में मुझे छत्तीसगढ़ जाना होता है क्योंकि मेरी फैमिली ऑलरेडी राजनांदगांव जिले में है, तो दिवाली के लिए मुझे जाना था। मैं वहां गया था, मेरे मामा जी का लड़का है जो, वो भी मतलब गरीब घर से ही बिलोंग करते थे, तो एक दिन अचानक उसका कॉल आया, बोलते हैं यार चंदू तू कहाँ है। तो मैं बोला यार गाँव तो आया हूँ दिवाली के लिए, घर में आ जा। बोलता है कि मैंने गाड़ी खरीदा है। बोला गाड़ी खरीदा है, मतलब कौन सी गाड़ी। तो बोले टाटा सुमो गाड़ी खरीदी है। मैं बोला गाड़ी का करता क्या है, तो तुझे तो कुछ आता नहीं है, आता जाता नहीं है, तो गाड़ी का करेगा क्या। तो वो बोलता है कि नहीं यार मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मैं रोज का पर डे का 1,000 रुपये कमा लेता हूँ। मेरे अंदर में आग लगी कि यार, उनका नाम किशन था, मैंने बोला यार पागल हो गया है क्या, मैं 8 दिन काम करता हूँ तो 800 रुपये कमाता हूँ और तू कह रहा है कि मैं एक दिन में 1,000 रुपये कमाता हूँ, ये कैसा पॉसिबल हो सकता है। बोले तुझे विश्वास नहीं है, मेरे घर आ और देख।
तो उन्हीं मैं उनके घर पहुंचा उसी दिन, उनका एक बर्थडे का ऑर्डर था, बुकिंग जिसको बोलते हैं, तो बर्थडे का ऑर्डर था, तो वो ऑर्डर पे मुझे भी लेके गया। बढ़िया सा देखा, ऑर्डर पे पार्टी को बिठाला, मैं भी बैठा। रास्ते में जाते जाते पार्टी ने बोली रुकना भैया चाय पानी लेते हैं, तो रास्ते में बढ़िया सा चाय पानी पिए, फिर रास्ते में डीजल डालने के लिए पैसे भी दिए। पैसे देने के बाद में फिर आगे गए, पार्टी को छोड़ दिए, और पार्टी को छोड़ने के बाद में बढ़िया सा फिर जैसा उनका बर्थडे सेलिब्रेट वगैरह हुआ, तो चिवड़ा केक नाश्ता भी मिला, साथ ही साथ बोलते कि चलो खाना खाते हैं, खाना भी खाए। फिर उसके बाद में उनको लोग बाहर आए, फिर गाड़ी में बैठे, रिटर्न आए, रिटर्न आने के बाद उसे 1,000 रुपये कैश भी मिले। उस दिन जब मैंने वो देखा तो मेरे अंदर में आग लगी कि यार काम तो ये बेस्ट है, घूमना भी, खाना भी, पेट्रोल का पैसा भी, वापस से खाना पीना, घूमना, और वापसी आने के बाद में पैसा भी। तो मुझे बस ये चीज समझ में आई कि यार मैं 8 दिन बैठ के काम करता हूँ, 8 8 10 10 12 12 घंटे, तब जाके मैं 8 तो हफ्ते का कमाता हूँ, और ये शख्स 1 घंटे 2 घंटे के लिए गया, पार्टी का निपटा के वापस घर आया तो 1,000 रुपये कमा लिया। मैं दोस्तों वहां से घर वापस रिटर्न आया और घर में झगड़ा करना, तमाशा करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसने बताया था कि मैंने जो गाड़ी खरीदा है वो 2,60,000 रुपए की है। मैं घर में आके अपने मम्मी से बोलना स्टार्ट कर दिया कि मम्मी पापा जा चुके थे, पापा नहीं है दुनिया में, तो मम्मी से झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया कि मम्मी मुझे भी अब भी 2,60,000 रुपए चाहिए, मुझे भी टाटा सुमो गाड़ी खरीदना है। मैंने पहले ही काम है, ड्रीमर था, जिद्दी था। तो जैसे ही मम्मी के पास बोलना स्टार्ट किया, तो मम्मी बोलता है कि बेटा तेरे बाप ने भी देखे हैं 2,60,000 रुपए, तो तू मुझे 2,60,000 रुपया मांग रहा है। तो मुझे पता था मेरे पिताजी हार्ट अटैक से एक्सपायर हुए और गवर्नमेंट जॉब में थे, तो पैसे मिले हुए थे, तो हम लोगों ने, मम्मी ने, हमारे जीजा जी हैं जो मनी रोटेशन कंपनी में काम किया करते थे, तो उस कंपनी में मम्मी ने उन 4 लाख रुपए जो पापा के मिले हुए थे उसमें से 3 लाख रुपए चुके थे। तो बहुत सारे लोग इस मंच में बैठे होंगे अभी इस जूम सेशन में, बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि मैं तो फलाने कंपनी में डूब चुका हूँ, मैं तो ये कर चुका हूँ, अब तो नहीं करना है, हम बर्बाद होती है, ऐसी कंपनी आती है जाती है भाग जाती है, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लोग यहाँ पे बोलते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों से बड़ा वाला हूँ मैं फंसने में से, तो मैं 3,80,000 इवन मेरे साले साहब के मैंने 80,000 रुपये लगा दिए थे उस कंपनी में, एक उम्मीद पे, एक भरोसे पे, जीजा जी एजेंट थे, लगा दिए थे। वो कंपनी भी 2016 में जब मोदी आया और सब कंपनी, सब जो जितने भी मनी रोटेशन कंपनी थे सब बंद हो गए, उसमें 3,80,000 मेरे भी जा चुके हैं। तो उस उम्मीद में पैसे तो थे नहीं, तो मम्मी के पास में 4 लाख में से 3 लाख लगा चुके थे, हल 1 लाख रुपए बचे हुए थे जो घर गृहस्थी चलाने के लिए मम्मी ने रखी थी, उसमें से मेरी जिद के आगे उन्होंने झुक गए। और मेरे बड़े भैया जी थे, बोलते हैं कि लड़का कोई भी काम करता है थोड़ी जिद्दी है करके दिखाता है, मम्मा एक बार देखे तो देख। थैंक्स मेरे बड़े भैया का, जिन्होंने बोला एक बार करके तो देखने दे इसे। और मुझे दोस्तों 90,000 रुपए मिले थे, 1,10,000 रुपए मम्मी ने बचाए थे, 90,000 रुपए मिले थे। वो 90,000 रुपए में मैं इस कंडीशन की टाटा सुमो गाड़ी खरीदा था जिसके चारों टायर नहीं थे, चारों ट्यूब नहीं थे, चारों तरफ से पिचका हुआ था। मैं उस कंडीशन की गाड़ी को खरीदा और उसे बनाया, बनाने के बाद में मैंने उस गाड़ी को 3 साल चलाया, 3 साल चलाने के बाद मैंने टाटा सुमो के बाद में मैंने बोलेरो खरीदा, बोलेरो खरीदने के बाद में टवेरा भी खरीदा। और दोस्तों मैं अचानक एक दिन मुझे बुकिंग मिली डोंगरगढ़ की, मैं डोंगरगढ़ जा रहा था, तो अचानक डोंगरगढ़, बहुत सारे लोग यहाँ पे, कितने लोग हैं जो डोंगरगढ़ गए हैं? हेलो, क्या आवाज आ रही है? जी, ये सब आ रही है, सब बिल्कुल तो मैं जब डोंगरगढ़ शायद कोई डोंगरगढ़ नहीं जा गया रहा था सर। तो डोंगर, हाँ गए हैं सर, बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि अच्छा म्यूट है ना अच्छा सब। चलो, तो मैं डोंगरगढ़ डोंगरगढ़ जा रहा था सर, तो डोंगरगढ़ जाते जाते रास्ते में एक देवरी करके गांव पड़ता है, उस देवरी के पास में एज अ जाम लगा हुआ था, रोड पे जाम लगा हुआ था, बहुत लंबी गाड़ी की लाइन लगी हुई थी, तो उस लंबी लाइन पे मैं भी जाके खड़ा हुआ। और जैसे जाके खड़ा हुआ तो 15 से 20 मिनट में खड़ा रहा, तो मेरे जो पार्टी पार्टी जो होते हैं ना गाड़ी में जाने वाले, तो बाजू में एक लड़का बैठा हुआ था, वो मुझे बोलता है कि भैया चलो ना देख के आते हैं क्या हुआ है। तो मैंने कहा पागल हो गया है, सामने जाम लगी, पीछे मेरे गाड़ी के पीछे जाम लगी हुई है, अगर हम गाड़ी छोड़ के जाते और गलती से जाम खुल गई तो सामने पीछे वाले हॉर्न मार मार के परेशान कर डालेंगे, ऐसे ही होता है ना जाम में। तो भैया बोलता है सही बात है सर, तो एक काम करते हैं रुक जाते, नहीं जाते। फिर 15 से 20 मिनट रहा नहीं गया, फिर 15 से 20 मिनट मैंने देखा, देखने के बाद में वो लड़का फिर से मेरे पास परेशान करना स्टार्ट कर दिया कि भैया चलो ना, बोलते कि अभी देखो अभी तक जाम नहीं खुली, बोलते चलो ना जाके देख के आते हैं। तो
मेरा भी मन किया कि सही बात है यार, आधा घंटा हो गया जाम नहीं खुला तो क्या हुआ एक्चुअल में, चलो जाके देखते हैं। बस कुछ नहीं, गाड़ी साइड पे लगाया और सामने बढ़े हम दोनों जन, पैदल 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 उस जाम तक पहुंचे। तो जाके देखा तो दोस्तों उस जगह पे इतनी खतरनाक और जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, और वो गाड़ी जो थी वो भी सेम कलर की, मेरी सफेद कलर की, व्हाइट कलर की जो टवेरा थी, सेम कलर की टवेरा गाड़ी की एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट इतनी खतरनाक थी, इतनी खतरनाक थी कि उसमें 9 लोग सवार में से 7 लोग ऑन द स्पॉट जा चुके थे और 2 लोग जिंदा बचे थे, पीछे की उनकी भी जान इस तरीके से चल रही थी। पता नहीं मुझे वो लोग भी दुनिया में है या नहीं है, लेकिन हाँ उस एक्सीडेंट को देखने के बाद मैं हिल गया, मैं पूरी तरीके से हिल गया। और जब मैं उस एक्सीडेंट को देखा तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं उस वहां पे ब्लड खून को देख के नहीं हिला, मैं वहां पे एक बात की सोच पे चला गया कि मैं सोचते रहा कि यार काश काश आधे घंटे का फर्क हुआ है। कितने घंटे का? आधे घंटे का फर्क हुआ है कि यार मेरी गाड़ी वहां खड़ी है और ये गाड़ी यहाँ पर एक्सीडेंट होकर पड़ी है। काश आधे घंटे का फर्क हुआ, वो गाड़ी यहाँ होती और ये गाड़ी वहां होती, तो शायद चंद्रहास तो आज दुनिया छोड़ चुका होता। और ये बहुत बात बढ़िया सर, बहुत मेरे बढ़िया। दिमाग और ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई कि यार आधे घंटे फर्क हुआ है, अगर ये जगह पे मैं होता और दुनिया छोड़ चुका होता, मुझे डर नहीं लगा ड्राइवरी करने में, लेकिन मेरी सोच वहां तक चली गई कि मैं सोचते सोचते अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने बीवी, अपने माँ, उनके बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। और वहां पे ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि चंद्रहास काश आधा घंटे का फर्क हुआ, अगर यहाँ तू होता और ये गाड़ी वहां होती तो दुनिया छोड़ चुका होता। और शादी के पहले, सगाई के बाद में तूने कॉल पे अपनी मिसेज से बड़ी बड़ी बातें की, अपनी बीवी से बड़ी बड़ी वादे किया है, आ जाना चांद तेरे लिए तो चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तू जो बोलेगा वो करके दिखाऊंगा। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना। हेलो, यस सर, क्या राइट हम है क्या सर, सगाई के बाद में, सगाई के बाद में ऐसी बातें करते हैं ना? तो यस सर। मैंने भी किया था दोस्तों, आज जाना जान तेरे लिए तो चांद तारे लेके आऊंगा। तो वो आई थी और मेरे छोटे छोटे दो दो तीन तीन बच्चे, क्या मैं इस बात को अपने आप को समझा नहीं पा रहा था कि काश अगर आज मैं दुनिया छोड़ चुका होता तो क्या ये गाड़ी मेरी बीवी चला लेती? नो नहीं सर, दोस्तों, नहीं चलो, नहीं चला पाती। तो क्या मेरे वो छोटे छोटे बच्चे चला लेते हैं? तो नो सर, दोस्तों जब वो मेरी बीबी वो गाड़ी नहीं चला पाती, वो बच्चे मेरे गाड़ी नहीं चला पाते, तो वो सोच के देखिए, तो फिर उस परिस्थिति में मेरी मिसेस, मेरी बीवी क्या गाड़ी नहीं चला पाती, मेरे बच्चे गाड़ी नहीं चला पाते, तो क्या क्या करती वो? किसी के खेत में काम पे जाती या किसी के घर में बर्तन मलने जाती? और ऐसे स्थिति में वो 100 200 150 रुपए कमा के मेरे तीन तीन बच्चे और खुद की जिंदगी पाल लेती दोस्तों। मुश्किल से आज यस सर एक इंसान 10 हजार रुपए, 12 हजार, 15 हजार, हजारों रुपए रोज के कमाने के बाद अगर घर नहीं चलता, तो क्या वो अपनी 100 150 रुपए, 200 रुपए रोजी कमा के अपने घर परिस्थिति, अपने बच्चों को एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, खिलाना पिलाना करवा लेती? नहीं करवाती दोस्तों। बहुत मुश्किल और है। उस समय मेरी सोच बनी कि हे भगवान, मैं भगवान से रिक्वेस्ट करते रहा, भगवान से मैं गुजारिश करते रहा कि हे भगवान, ऐसा मुझे कोई मौका दे, ऐसा कोई मुझे चांस दे, ताकि मैं ऐसा कोई काम करूं, मुझे उस लायक अगर बनाया तो मुझे ऐसा कोई काम दे, ऐसा कोई रास्ता दे भगवान, जिससे मैं आज तो काम करूं लेकिन एक समय बाद मैं दुनिया छोड़ के भी जाऊं तो मेरा घर में एक फोटो तस्वीर जो ऐसी लगे, और कोई रास्ते से घर से मेरे घर तक पहुंचे, एक पानी पीने रास्ते में घर है मेरा, कोई पानी पीने के बार बार बहुत सारे लोग मेरे घर पे आते रहते हैं, वहां आए और मेरी फोटो देखे और वो ये बोले कि ये फोटो इतनी बड़ी चांदी के फ्रेम, सोने के फ्रेम में, ये फोटो में ताजे हार और ये मिठाइयां लगी और अगरबत्ती सेंटर चल रही है कौन? तो ये लोग, मेरे बच्चे, मेरी बीबी, मेरे परिवार, मुझे गर्व फक्र से ये बोल पाए कि ये यही तो है, यही तो वो शख्स है जिनकी वजह से आज ये पूरा घर चलता है। और यस सर, बस यस। इस सोच के साथ मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया, एकदम साइलेंट 24 घंटे में घर में बिस्तर में पड़ा रहा। और उसके बाद फिर से मुझे बुकिंग मिली नागपुर की,
नागपुर में बर्डी के पीछे साइड में एक धर्मपेट है, वहां का मुझे सगाई का सेलिब्रेशन, सगाई थी, मराठी में क्या बोलते, साक्षीगंध, सगाई का ऑर्डर था। मैं सगाई के ऑर्डर में पार्टी लेके गया, पार्टी को छोड़ दिया, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, उसी बीच मेरे अप्लाई वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा और मुझे बस ये पूछा कि भाई यहाँ पे गाड़ी में बैठे बैठे क्या कर रहे हो इतनी गर्मी में, काम करते, चलो यहाँ पे एसी का एक हॉल है वहां पे जाके बैठते हैं। मैंने सोचा नहीं, समझा नहीं, मुझे भी लगा कि यार वाकई में गर्मी में तो बैठा हूँ, चलो ना बोल रहा था उसके साथ जाके बैठता हूँ। दोस्तों वहां पे चल रहा था आदोसा वेलनेस डिवाइन अकेडमी का बेहतरीन और जबरदस्त, 2 लाख पर वीक, 8 लाख रुपए महीना, 40 लाख 95 हजार रुपए का इनकम प्लान चल रहा था। मुझे वो प्लान कुछ भी समझ में नहीं आया, वहां पे बस मुझे ये चीज समझ में आई कि यहाँ 2 लोगों को जोड़ना पड़ता है, 600 रुपए का फॉर्म भरना पड़ता है, एक शॉपिंग करना पड़ता है। ये बात जब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, प्लान तो देख लिया, समझ में नहीं आया तो मुझे ऐसा लगा कि यार फालतू के काम है, ऐसे भी ऑलरेडी मैं 3 लाख 80 हजार रुपए में डूब चुका हूँ, ये वही वाला काम है, ये फालतू के मुझे जबरदस्ती यहाँ लेके आया है, और मैं बहाने बना के वहां से खसकने लगा। तभी मेरे बीच भूषण सर आए और उन्होंने कहा कि भाई क्या कर रहा है तुम। मैं बोला सर मुझे नहीं करना है, मैं ऑलरेडी डूब चुका हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ, मुझे बिजनेस नहीं करना है। तब जाके वहां पे एक चीज समझ में आई कि भैया पैसे देंगे, पैसे के बदले हम सामान खरीद लेंगे, नुकसान कुछ नहीं है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं बोला, फिर सोचने लगा, मैं तो ड्राइवर था और ड्राइवर हूँ, मैं जहां भी जाता हूँ जो भी अच्छी चीजें दिख जाती है आजू बाजू चलते चलते, मैं कहीं भी, ड्राइवर था तो घूमना घूमता फिरना होता था ना, मेरा टूर एंड ट्रेवल था, तो उस सिचुएशन में मैं घूमना फिरना मेरा चलता रहता था, तो मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो खरीद के लाता ही था। तो मुझे ऐसा फीलिंग आया उस समय में कि यार हाँ सर तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, अरे पैसे देगा, पैसे के बदले सामान खरीदेगा तो नुकसान क्या है। तो उस समय में मैंने बिजनेस की शुरुआत की, मैं बोला चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, अनजान व्यक्ति था, अनजान के ऊपर मैं भरोसा कैसे करे। फिर भी दोस्तों आज मैंने अपने घर में 3 3 आईडी नहीं, 11 आईडी से बिजनेस की शुरुआत किया हूँ, बातों को समझा, पैसे देंगे सामान मिल जाएगा, नुकसान नहीं है, चलो करके देखते हैं, ट्राई मार के देखते हैं। और ट्राई मारने के चक्कर में दोस्तों आज जो बंदा ये सोचता था कि लोग नहीं जुड़ेंगे, ये फालतू के काम है, चैन बनाने वाला है, मैं ऑलरेडी डूब चुका हूँ, मेरे तो 3 लाख 80 हजार डूब चुके हैं, मैं कैसे इस बिजनेस को एक्सेप्ट करूँ, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति आज 700 लोगों की टीम बना चुका है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर आदोसा है लेकिन तो भरोसा साथ ही साथ दोस्तों रही है बात क्या? स्ट्रगल की, जब मैंने बिजनेस की शुरुआत किया तो यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसे बैठे होंगे अभी सेशन में जो मुझे सुन रहे हैं, वो लोगों को भी आज ऐसा लगता होगा कि सर कि कैसे किस तरीके से टीम क्रिएट होती है, हम लोग बात करते हैं तो लोग हमें मना कर देते हैं। मुझे दोस्तों आप लोग नए नहीं हो, मैं भी आप ही के बीच का हूँ, आप ही की तरह उठ के आया हूँ, मुझे भी लोगों ने मना किया, मैं भी जब प्लान देखा था 600 का फॉर्म भरना है और साथ ही साथ लिस्ट बनानी है और लोगों को बताना है, समझाना, बस इतनी सी बात करनी है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, जैसे ही प्लान देख के वहां से वापस जब निकला तो आते आते रास्ते में मैंने, आने के बाद अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल थे, हमारी 15 लोगों की गैंग थी टूर एंड ट्रेवल्स में, मैंने सभी 15 लोगों को एक जगह जमा किया और जमा करने के बाद सबको इनविटेशन कार्ड देने निकल गया। उनको सबको मैंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई मेरे पास में कार्ड है, इस कार्ड को, अगर कार्ड को ले लेते हैं, अगर आप प्रोग्राम में आ जाते हैं तो आप भी लखपति करोड़पति और मैं भी करोड़पति, यहाँ बहुत बढ़िया बिजनेस का प्लान मिला है मुझे, चलो सबसे जाकर देखते, बस इतनी सी बात बोला। उसमें से कुछ ऐसे चतुर मेरे फ्रेंड्स थे, रहते हैं ना गैंग में कोई ना कोई एक तो होशियार तो रहता ही है, तो उन्होंने बस एक बात बोली कि भाई जो काम तो आज शुरुआत कर रहा है ना, ये काम हमने तो करके छोड़ दी, मेरे काका ने किया था, मेरे मामा ने किया था, सब बर्बाद हो गए हैं, तू कहाँ फंस गया चंद्रहास, ये फालतू के अच्छा हो गया, 600 दिया तो दिया, इसके आगे कुछ मत करना, ऐसे मुझे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बहुत सारे सलाह दिए। और सलाह देने के बाद मैं पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो गया, मेरे अपलाइन का कॉल आता था, मैंने कॉल उठाना बंद कर दिया। फिर एक दिन अचानक सर मेरे घर पहुंचे और घर पहुंच के मेरे सारे डाउट क्लियर किए, और दोस्तों थैंक्स ऊपर वाले की और थैंक्स अपलाइन का कि उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से समझाए, और उस समय में भगवान मेरे साथ थे, ऊपर वाला मेरा साथ था, मेरा मुंडी ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, काश ऐसा होता ना तो आज आप लोगों के बीच नहीं होता, मैं भी उसी ड्राइवर घिसी पिटी जिंदगी
गाली गलौज और ऐसे बहुत सारी बातें, ड्राइवर लाइन की भाषा आप लोगों को पता है, रफ होती है। मैं उस रास्ते से मैं से यहाँ आया हूँ दोस्तों, तो वो सारी चीजें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन थैंक्स अपलाइन का जिन्होंने मुझे गाइड किया, अच्छे से समझाया और बिजनेस में। लेकिन जब मैं इनविटेशन करने निकला तो 15 लोगों ने मुझे डायरेक्टली मना कर दिया। यहाँ कई सारे लोग बैठे होंगे जो इनविटेशन करने जाते होंगे तो लोग उन्हें मना कर देते होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने जब जी सर, पैसे दिए, दोस्तों सभी लोग ध्यान से सुनना, जब आप लोगों ने इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए 600 रुपीज का फॉर्म साइन अप किया, साथ ही साथ आपको कोई सामान परचेस करना था तो आपने सामान के बदले पैसे दिए, पैसे के बदले आपने सामान खरीद के ला लिए। दोस्तों नुकसान क्या है? कुछ नहीं है। आपने पैसे दिए, पैसे के बदले सामान ले लिया, आपका नुकसान क्या है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो सीनियर का फोन उठाना बंद कर देते, ये उनका कॉमन सेंस ये काम करना बंद कर देता है कि यार मैंने पैसा तो दे चुका हूँ, मैंने सामान तो खरीद ही चुका हूँ, चलना आप कोशिश करके देखते हैं, लोगों को बोल के देखते हैं। क्या दो चार लोग मना कर देते हैं तो लोग बात करना, फोन उठाना बंद कर देते हैं। दोस्तों मैंने वो नहीं किया, मेरा कॉमन सेंस ने काम किया। मैंने बोला यार मैंने पैसा तो दे चुका है, मेरा सामान मेरे घर आ गया, मैं सामान यूज कर चुका हूँ, और सर बोल रहे कि यार लोगों को बता, मना करता है उसे छोड़ दे और तुम हाँ बोलता है उसके साथ आगे बढ़। बस जैसे अपलाइन ने कहा बस वो काम करता चला गया। इन्विटेशन करते समय दोस्तों मुझे भी दिक्कतें आई, मैं हर किसी से बातें करने की कोशिश करता था, मुझे बात करना नहीं आता था, तो बात करना नहीं आता था इस वजह से मैं रिजेक्ट होते गया। लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे एक बात बताई कि चंद्रहास जी अगर तुझे सफल होना है तो तुझे 24 हफ्ते 24 शुक्रवार कंटिन्यू ट्रेनिंग में आना है। दोस्तों मैं बता दूं, मैं अभी जिस जगह में बैठ के आप लोगों को आज के जूम सेशन में बातें कर रहा हूँ, वो और मेरा ट्रेनिंग सेशन हॉल 70 किलोमीटर की दूरी है। कितने सर? 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर किलोमीटर की दूरी है। मेरे जूनियर जानते हैं मैं रोज यहाँ से सुबह रेडी होकर यहाँ से मैं नागपुर पहुंचता हूँ और मैं आने का टाइम नहीं देखता। वो 8 बजते, 10 बजते, 11 बजते, 12 बजते, 1 बजते हैं दोस्त, मुझे नहीं पता बारिश है, ठंडी है, धुपकाल है, मुझे नहीं पता। मैं उस दौरान में ट्रेनिंग के, मेरे सीनियर ने बस एक बात बोली, चंद्रहास जी तुझे अगर शिखर पे पहुंचना है तो तुझे ट्रेनिंग और प्लान मिस कभी नहीं करना है। और दोस्तों मैंने सर की बातों को फॉलो किया और वो मैं करते रहा करते रहा। मुझे जब इन्विटेशन करना नहीं आता था तो मैं अपने सीनियर के पास जाके बैठता था कि सर मैं लोगों से बातें करता हूँ तो लोग मुझे मना कर देते हैं, मैं कैसे इन्विटेशन करूँ? तो मुझे, मेरे सीनियर ने पूछा कि आप बोलते क्या हो, तो मैं बोला सर यही बोलता हूँ कि 600 रुपए का फॉर्म भरना पड़ेगा और एक बार शॉपिंग करना पड़ेगा, तू भी करोड़पति और मैं भी करोड़पति। तब जाके मेरे अपलाइन ने मुझे होटल पे बिठाला, बढ़िया से चाय पिलाया और मुझे बातचीत करी, और बात करने के बाद मेरे सीनियर ने मुझे समझाया कि चंद्रहास जी ऐसी बातें नहीं करते, आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पटेल सर यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, नेहरू सर बच्चे हैं बैठे, बाकी सारे बहुत सारे लोग बैठे हैं, मुझे एक बात बताइए, अगर किसी को तलवार चलाना नहीं आता, तलवार चलाना नहीं आता और मैंने जबरदस्ती उसे भेज दिया, ले भाई तलवार जाके उसकी गर्दन काट किया, लेकिन सामने वाला खिलाड़ी है, गर्दन किसकी कटेगी? खुद तो गया काटे सामने वाले उसकी, की खुद सर की सर अपने कटेगी खुद की कटे, अपनी कटेगी, क्योंकि मुझे चलाना नहीं आता। लेकिन नहीं मैंने आता। बोला पटेल साहब एक काम करते हैं, पटेल साहब एक काम करते हैं, मेरी एक दोस्त है जो तलवार चलाना सिखाता है, बहुत धुआंधार बैटिंग करता है, चल उसके पास में 3 महीने का हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। और 3 महीने के हम लोग सुबह शाम ट्रेनिंग ली और उसके बाद बोला पटेल साहब अब आप ट्रेन हो चुके हैं, 3 महीने हो चुके हैं आप ट्रेन हो चुके हैं, अब ये लो तलवार और जाके गर्दन काट के आओ, किसकी कटेगी साहब? सामने वाले की सामने वाले की बिल्कुल 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 सर, अब सामने वाले की कटेगी। तो बिल्कुल दोस्तों यही तरीका था, इनविटेशन करना नहीं आता था मुझे, मेरे अपलाइन ने मुझे ये बताया कि तुझे चलाना नहीं आता इसीलिए तो दिक्कत है। दोस्तों मुझे बात पूछता हूँ आपको, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको फोर व्हीलर आता होगा और बहुत सारे लोग होंगे जिनको फोर व्हीलर नहीं आता, नहीं आता हूं। लेकिन जिसको नहीं आता मैं बोलो कि ले चाबी और जा चला, क्या क्या होगा? एक्सीडेंट, गाड़ी ठुक जाएंगी सर, अच्छा जिसको जिसको पानी में तैरना नहीं आता, मैंने धक्का मार दिया, क्या होगा? डूब डूब जाएंगे जाएगा। सर पक्का ना, तो इसके लिए मुझे करना क्या है सर? सीखना पड़ेगा सर। कॉमन सेंस सभी का काम कर रहा है क्या?
जी सर, बिल्कुल सर, सीखना 100% पड़ेगा। सर। अगर मुझे एक बात बताओ, जब दो काम मुझे नहीं आता तो उसे मुझे सीख लूंगा तो मुझे करना आ जाएगा। इतना सबका कॉमन सेंस अगर काम करना स्टार्ट कर दे तो मुझे कोई असफल हो सकता है क्या? ठीक बिल्कुल नहीं सर जी, हो सकता है सर, बिल्कुल 100% सफल होगा सर। सीखने के बाद छोटा से छोटा काम बड़ा सा बड़ा काम किया जा सकता है। आप लोग सर्च मारिए, जो प्लेन उड़ा रहा है वो इंसान है या जानवर है? इंसान इंसान है है। सर। जो हमारी बिल्डिंग बड़ी बड़ी बन रही है, 17 मंजिल, 18 मंजिल, 140 मंजिल, ये बनाया कौन है, इंसान या जानवर? इंसान इंसान। अरे दुनिया में सृष्टि जो रचा है, खेती बाड़ी से लेके पंखा कूलर सब किसने बनाया है? इंसान ने इंसान सर। ने, इंसान नहीं बनाया है। अच्छा एक बात बताओ, धीरू भाई अंबानी इंसान है या जानवर है? मुकेश अंबानी जानवर है, इंसान है? जब इंसान है सर, एक हमारी तरह इंसान है। व्यक्ति आठवीं फेल व्यक्ति ये बन सकता है, बना सकता है, वो भी इंसान है, तो हम जानवर है क्या? वो अगर इंसान है तो हम जानवर है क्या? नो सर, हम भी इंसान है सर। इंसान है सर, हम भी कर सकते हैं सीखने के बाद। धीरू भाई अंबानी क्या बचपन से माँ के पेट से सीख के करोड़पति हुआ था क्या? नो नो सर। सर। नहीं दोस्तों, नहीं दोस्तों, वो भी यहीं से ही सीखा है और सीख के अरबपति खरबपति बना है। क्या हम नहीं बन सकते? बन सकते हैं बिल्कुल सर, बन सकते हैं सर। बनेंगे तो सर। दोस्तों, इनविटेशन करने की कोई प्रॉपर तरीका नहीं होता, बस कुछ मत कीजिए। अगर आप हॉट लिस्ट में काम कर रहे हैं, अपने खुद खुद के लिस्ट में काम कर रहे हैं, सबसे पहले आपको क्लियर सिस्टम बताता है कि आपको लिस्ट बनानी है। जितने भी नए लोग हैं, लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद में चुपचाप सीनियर को बुलाइए, सीनियर को फॉलो कीजिए और सीनियर के साथ बैठ के, सर मैं क्या करूं मुझे बताइए। आप अपना दिमाग मत लगाइए। अगर आप रिलेशंस वाले को दे रहे हो तो आप दम ठोक के बातें कर सकते हैं कि चल भाई, मैं एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हूँ जिसमें तुझे चलना है और आना है, मतलब आना है, तो वो 100% वो आ जाएगा। आपको बताने की जरूरत नहीं है। रही बात अगर कोल्ड लिस्ट की, तो कोल्ड लिस्ट दोस्तों मैंने कभी कोल्ड नहीं किया, लेकिन हाँ मेरे बीच एक ऐसी शेरनी जूम सेशन में है जिसका नाम मनीषा हारूड है। मैं उन्हीं के थ्रू, बोला जाता है कि अभी हर बातें अपलाइन से नहीं सीखी जाती। हम एक 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 ऐसा इंसान है हम लोग कि हम जूनियर से भी और सीनियर से भी सीखते हैं। तो मैं मनीषा हारोडे को बस मोटिवेट करता रहा और उनकी जो कलाएं हैं उसे मैं सीखता रहा। तो मुझे एक ही चीज पसंद बहुत अच्छा लगा कि हम 3 50 इन 50 रूल्स का हमने वो किया कि मेरे 3 गज के दायरे में कोई भी व्यक्ति आता है, हम उससे बस बात करना स्टार्ट कर दे। तो दोस्तों मैं किस तरीके से करता था अनजान लोगों से, अगर किस मैं अगर कहीं पर खड़ा हूँ, बैठा हूँ, सामने वाला व्यक्ति के हाथ में अगर घड़ी दिख जाए तो बस मैं उसे पूछता था कि सर घड़ी बहुत प्यारी लग रही, सर आपने कहाँ से खरीदा? तो वो व्यक्ति मुझे बताता था कि सर ये घड़ी मैंने यहाँ यहाँ से खरीदा। सर आप इससे रहना कहाँ होता आपका? तो वो बोलता था कि मैं फलाने फलाने जगह। अच्छा, आप यहाँ रहते हैं? अच्छा, तो क्या करते हैं सर? देखो मैं बात करने का हिंट दिया तो सामने वाला मुझे बात करेगा। और बात करते करते मैं उस व्यक्ति से, अरे सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए ना। तो वो क्या वो इंसान मना करेगा? नो नहीं सर, करेगा। करेगा सर। मैं उसे कांटेक्ट नंबर ले लिया करता था और उससे मैं व्हाट्सएप चैटिंग या फिर फेसबुक पे गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज किया करता था, बातचीत किया करता था। और एक दिन अचानक बातचीत अच्छा होने लगे लग जाए, उसके बाद मैं बोलता था कि यार मैं कैसे ऐसे बिजनेस से बिलोंग करता हूँ, और क्या आप अगर, क्योंकि सामने वाले का नस नाड़ी कमजोरियां पता चल जाता है तब तक के, जब हम उसे बातचीत करते हैं तो सामने वाले की कमजोरियां पता चल जाता है, और उसके बाद में हम उसे इनवाइट करते थे। तो ऐसा भी मैंने किया है। जरूरी नहीं है कि इनविटेशन के लिए आप क्या बोलते हैं, कोल्ड में भी जो भी हर व्यक्ति से बात कीजिए, घबराए नहीं, डरे नहीं, बस बात करना स्टार्ट करें। वो बस इतना बोलने वाला, हाँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को जानता हूँ। अगर वो बोलता है जानता हूँ तो निकल यहाँ से, और इधर देख पलट के तो इधर भी लोग खड़े हैं। सामने देखेगा तो सामने लोग खड़े हैं, पीछे पलटेगा तो पीछे लोग खड़े हैं। खड़े रहते हैं, नहीं खड़े रहते सिटी में, जी खड़े सर, रहते खड़े हैं रहते सर, हैं। तो चारों तरफ लोग होते हैं। उसको छोड़ उससे बात कर, उससे छोड़ उससे बात कर, जो हाँ बोलता है उसको हाँ बोल और ना बोलता उसे छोड़ दे। बस बिल्कुल सर, पेमेंट हो गया सर। मैंने पूरा नाकू जी सर, जी मैम, मैं कुछ नहीं करता था कि बस कार्ड, अभी तो मैंने तरीका आजमाया है तो मैं आप लोगों को बता दूं। मैं अपने जेब में कार्ड रखता हूँ सैटरडे के दिन, और वो कार्ड लेके खड़ा रहता हूँ। कहीं पर भी अगर कोई भी व्यक्ति दिखा, मैं उसे बस एक ही चीज पूछता हूँ कि सर आपको इसके पहले क्या ऐसी वाली कोई कार्ड मिली है? तो सामने वाला बोलता है किस चीज का है, ये पूछता है, या तो नहीं बोलता है।
या तो फिर हाँ।